हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इग्नोर दैट, क्योंकि बारिश का मौसम है, कपड़े नहीं सूखते हैं, तो ऐसे ही डालना पड़ता है फैन के नीचे। कोई और जगह नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आज है मंडे, या आज मंडे है, और आज से सारे रूटीन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। विवेक जो है ऑफिस जा चुके हैं, ड्यूटी जा चुके हैं, एंड पीकू जो है वो भी स्कूल जा चुकी है। जस्ट जो है मैं पीकू को छोड़ के आई हूँ, एंड आते ही मैंने जो है कपड़े वपड़े सब वॉश कर लिए हैं, और झाड़ू पोछा भी कर लिया है। उसके लिए टिफिन बनाया था मैंने आज आलू की सब्जी एंड पराठे। काफी दिनों के बाद उसका आलू की सब्जी बना के दी है। पिको की जो है आलू की सब्जी फेवरेट है, बट मैं उसको बहुत कम बनाती हूँ, उसको बाकी सारी सब्जियाँ बनाती हूँ एक एक दिन। तो आज जो है आलू की सब्जी बनाई है काफी दिनों के बाद, एंड साथ में पराठे दिए है, तो बहुत खुश होके गई है वह स्कूल में। एंड कपड़े जो है मैंने आज के इसलिए सुबह सुबह धो रही थी, पिको को छोड़ के आई कि मैं अंदर आती ही नहीं हूँ, बाहर के बाहर से फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ ताकि जो है जल्दी से सूख जाए, बारिश का मौसम है। तो ये सारे काम हो गए, बर्तन घसना है, खुद के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाना है। तो अकेली हूँ, कुछ बनाने के लिए बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो कुछ नहीं बनाऊंगी, अभी सिर्फ चाय बना रही हूँ, एंड चाय के साथ रस खा लूंगी मैं, जो टोस्ट होते हैं वो टोस्ट खा लूंगी एक दो, बस हो जाएगा। एंड उसके बाद में मैंने जो है आलू की सब्जी एंड रोटी बनाई है सिर्फ, तो मुझे अभी दाल चावल चढ़ाना है, तो मैं अभी दाल चावल चढ़ाने वाली हूँ। एंड बर्तन घसून ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं, तो सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। कल जो है व्लॉग मैंने बहुत जल्दी एंड कर लिया था, तो फिर सोचा अगर आज भी व्लॉग नहीं बनाया जाए, इवनिंग में मैं सोचा था व्लॉग बनाऊंगी, बट पिकू की जो है आजकल जो है बहुत पढ़ाई जो है उसकी बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा हो गई है उसकी पढ़ाई, उसकी उम्र के हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने उसका 6 महीने पहले एडमिशन कर दिया है, तो उसकी उम्र के हिसाब से उसकी पढ़ाई बहुत है, तो उसके साथ ज्यादा बैठना पड़ता है। तो कल भी हम लोग रात को बहुत देर तक विवेक और मैं उसको लेके बैठे रहे, थोड़ी देर मैं बैठी रही, देन मैंने अपने काम किए छोटे मोटे, एंड देन विवेक लेके बैठे रहे। तो उसका जो है CBSE पैटर्न है, और भुट्टीपुरी के टॉप स्कूल में से एक स्कूल में है वो, तो पढ़ाई जो है उसकी इस लेवल तक है, बाकी स्कूल के हिसाब से तो थोड़ी ज़्यादा ही उसकी पढ़ाई है। तो थोड़ा जो है घर पे भी साथ देना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स कितना लेते बैठेंगे घर में, अगर हम लोग रिविजन नहीं लेंगे तो होगा ही नहीं। इसलिए हम लोग जो है विवेक और मैं थोड़ा मिल बैठ कर उसकी पढ़ाई लेते रहते, तो मैंने इवनिंग में बिल्कुल भी बर्तन नहीं घसे, तो अभी बहुत सारे बर्तन जमा है। तो सोचा कि आज व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, वरना आज भी व्लॉग नहीं बनाना होगा। एंड रेणुका जी का जो है अभी जस्ट मुझे कमेंट आया था, मैंने सुबह सुबह जो है व्लॉग पब्लिश कर दिया था, तो मुझे जो है कमेंट आया था रेणुका जी का कि आप रोज व्लॉग डाला करो। तो हाँ, मैं भी चाहती हूँ रोज व्लॉग डालने के लिए, बट आजकल जो है बिल्कुल मुझे मन नहीं होता है ना व्लॉग शूट करने का ना व्लॉग एडिट करने का, क्योंकि घर में भी जो है मैं आजकल बहुत उदास उदास सी रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी चीजें छोड़ छाड़ के रोज बाहर घूमने जाऊँ, आजकल बहुत मेरा मन हो रहा है कि मैं अकेले जाके खुद के लिए मैं टाइम स्पेंड करूँ, खुद के लिए, खुद के अकेले के साथ टाइम स्पेंड करूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए है। ऐसा लगता है मैं खुद अकेले जाऊँ, कहीं अकेले बैठूँ, कहीं अकेले घूमते रहूँ, बहुत मन होता है। एंड वीडियो बनाने का इसलिए इच्छा नहीं होता है क्योंकि जो है मेरा चैनल जो है बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है, जो थे वही थे। इस रूम में जब यहाँ इस घर में जब से मैं रहने आई तब से मेरे व्यूज जो है और कम हो गए हैं। जब मैं फ्लैट में रहती थी, तो इससे पहले जो घर में रहती थी मैं, जहाँ फ्लैट में, वहाँ पे जो है मेरे इससे अच्छे व्यूज आते थे, एंड उससे भी कम व्यूज हो गए हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना कुछ। तो आजकल जो है बिल्कुल मन उदास सा हो गया कि बिना फालतू में मैं काम किए जा रही हूँ, 1 साल से ऊपर हो गया है चैनल को, बट कुछ हो ही नहीं रहा है ग्रोथ चैनल की। तो बहुत दिल दुखता है, बिल्कुल करने का मन ही नहीं होता है, ना वीडियो बनाने का मन होता है, ना एडिट करने का मन होता है। जो मैंने वीडियो आज पोस्ट किया है बिरयानी वाला, वो कितने दिनों से, 1 वीक से जो है मैंने बना के रखा था वो वीडियो, बट एडिट करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, एडिट करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। कैसा लगता है कि मैं इतने दिनों से मेहनत कर रही हूँ बट कुछ फल ही नहीं मिल रहा है। सोचिए 1 साल से ऊपर हो गया, अप्रैल में 1 साल हो गया है, 1.5 साल होते आ रहा है अभी, 1.5 साल से कोई फ्री में काम कर रहा है दिन से रात तक, फिर भी कोई ये नहीं। रात रात भर जाके मैं 2-2 3-3 बजे तक जाके वीडियो एडिट करती हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स भरो, देन थंबनेल ये करना पड़ता है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है इसके पीछे। 2-2 3-3 बजे तक बैठ के मैं चीज़ें सीखती हूँ करती हूँ, बट जो इसका कुछ फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है। कि मेरा ऐसे भी नहीं कि हर रोज़ अगर कुछ थोड़े भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो भी दिल को तसल्ली मिल जाए, बट वो भी नहीं हो रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ सपोर्ट कीजिए एंड प्रे कीजिए मेरे लिए कि जल्दी जल्दी से मेरा चैनल ग्रोथ हो जाए। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं रोज एक तो भी वीडियो आप लोगों के लिए डाला करूँ। आप लोगों के काफी कमेंट्स आते हैं मुझे, परसों के दिन भी इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे सबकी कि रवीना आपने वीडियो नहीं डाला, आपने वीडियो नहीं डाला, कि आप ठीक हो, सारी चीजें ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो। आप लोग सिर्फ व्यूअर्स ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली जैसे हो, क्योंकि आप मेरे लिए इतना केयर करते हो। तो चलिए, बहुत ज्यादा बक बक हो गई है, अभी चल के फिर आपसे चाय बना लेते हैं, चाय तो खाते हैं, देन मुझे बर्तन भी घसते हैं।
कि सो फ्रेंड्स मैंने जो है शावर ले लिया है एंड आज जो है मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं, सूखे नहीं है बट इन्हें जो है मैंने फिर भी बांध लिया है। एंड अभी जो है तो जो है मैंने हेयर को बांध के रखे थे, काम कर रही थी मैं, तो अभी जो है मैं खाना बनाने वाली हूँ। मैंने शावर ले लिया है एंड खाना बनाना छोड़ दिया था मैंने, तो खाना मतलब रोटी सब्जी तो बन गई है, बस जो है मुझे दाल चावल बनाना। रोटी सब्जी जो है बना ली थी, बस दाल चावल ही बनाऊंगी मैं, और फटाफट से दाल चावल बनाना पड़ेंगे क्योंकि फिर पीकू के जो है लाने का टाइम हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से दाल चावल बना लेते हैं एंड बाद में जो है पीकू को लाने जाएंगे हम लोग।
काफी टाइम के बाद मिल रही हूँ मैं, 3:15 हो गए अभी, एंड काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं किया था। पिकू आ गई थी, देन उसको फ्रेश व्रेश कराया, उसको खाना खिलाया, एंड तुम जो उसका होमवर्क है मैं उसको आते ही कंप्लीट करा देती हूँ होमवर्क, क्योंकि फिर रात में जो है उसका रिविज़न लेना पड़ता है, साथ ही में उसको जो राइम्स सिखाते हैं उसको रिविज़न, वो उस राइम्स का रिविज़न लेना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इस वजह से जो है मैं वो स्कूल से आते ही थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करा के खाना खिला के फ्रेश कराने के बाद होमवर्क करा लेती हूँ। तो उसने अपना होमवर्क भी कर लिया है एंड थोड़ी देर तक मस्ती वस्ती करते रही। दिन भर से आती है, जब से 9 बजे से जाती है 1 बजे आती है, तो दिन भर की जो है स्कूल की कहानियाँ बताते रहती है वो, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ। एंड दिन भर जब घर में रहती है, जब घर में आती है, जब स्कूल से आती है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बस इसकी बातें सुनते रहो। एंड सुलाना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो अभी 2:30 बजे मैंने इसको सुलाया है, सो चूँकि एकदम सुकून से सो रही है, तो अब ये सो रही है तो मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि दोपहर में थोड़ा देर तक 1-1.5 घंटा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह से लेके मैं काम करते रहती हूँ, 6:30-7 बजे से उठ जाती हूँ, तब से काम करते रहती हूँ, कंटिन्यूसली मेरे जो काम है वो चलते ही रहते हैं, तो बिल्कुल रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता है ना खाने पीने को, क्योंकि विवेक और अगर ये एक साथ चले जाए, घर पूरा खाली होता है, तो मैं फास्ट फास्ट अपने काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस चाय तो खाया थे उसी के ऊपर थे अंदर, इसी के साथ में मैंने खाना खाया है, तो बहुत वीकनेस फील हो रहा है, तभी सोच रही थोड़ी देर की रेस्ट करने के लिए। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ, तो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा ब्लॉग को तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर इवनिंग में कुछ प्लान बनता है तो मैं ज़रूर एक ब्लॉग शूट करने की कोशिश करूँगी अगर हो सके तो, अगर नहीं होता है तो कल के ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तो फिर बाय बाय।